हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, 21 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या है ये चार धाम प्रोजेक्ट, हम इसके बारे में देखते हैं और क्या इसमें यूपीएससी हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती है। तो देखो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चार धाम प्रोजेक्ट है वो मेनली उत्तराखंड के जो चार छोटे धाम है जो कि हिमालय की शरण में आते हैं, जैसे कि केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इन चारों धामों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसका मेन फोकस ये रहेगा कि 900 किलोमीटर का इसमें हाईवे बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे, जो कि 12,000 करोड़ की लागत से बनेंगे। तो देखो हमें इतनी अमाउंट वगैरह तो ध्यान नहीं रखना है कि भाई कितना फंड वगैरह दिया गया है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से चार धामों को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए यह मेनली नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। और अभी इसको कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल को लेकर आया थी कि इसमें जो सुरंग वगैरह है बीच बीच में वो बनाई जाएंगे, क्योंकि देखो आपको पता है कि उत्तराखंड का जो टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे क्या कि पहाड़ वगैरह का माउंटेन हिली एरिया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जगह जगह पे सुरंग वगैरह बनानी होंगी, ब्रिजेस वगैरह बनाने होंगे। तो उन सबको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल वगैरह दिया है, उसको लेकर न्यूज आई थी। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि चार धाम प्रोजेक्ट जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, इसका मेनली दूसरा नाम है वो है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है क्या, जो भी हमने डिस्कस किया कि जो भी होली प्लेसेस हैं उत्तराखंड में, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो मैंने इन चारों के लिए ही यह बनाया गया है। इन चार छोटे धामों के नाम से यह यूपीएससी पूछ सकती है। किसके द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो ध्यान रखें, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि आपको पता है कि मेनली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ बेसिक न्यूज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो मेनली DMIC के बारे में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। तो न्यूज एक्चुअली ये है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके लिए जगह जगह से फंड है, काफी जो कंपनीज है फॉरेन की वो इंटरेस्ट है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या है। देखो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, आपको पता है कि फाइनेंशियल कैपिटल है वो मुंबई है, तो मतलब इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल से जो पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है इसको आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी के तहत इस कॉरिडोर को बनाने की बात है। और यह प्रोजेक्ट है मेनली यह जापान की हेल्प से कंप्लीट किया जाना है। 2006 में इसके लिए एमओयू है वो साइन हुआ था जापान के साथ। तो उसमें जापान है वो अप्रोक्सीमेट $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो करेगा, इसे हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ इसमें टेक्निकल जो हेल्प है, टेक्निकल जो भी एक्सपर्ट सॉल्यूशंस है वो जापान की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये ध्यान रखें। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो यह आता है, यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इसमें महाराष्ट्र शामिल है, और यहाँ पे देखा जाए तो गुजरात का एरिया शामिल है, और यहाँ पे राजस्थान शामिल है, हरियाणा शामिल है, और यहाँ पे उसके बाद में उत्तर प्रदेश का थोड़ा एरिया शामिल है, और बाद में दिल्ली है। तो यह चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें 6 स्टेट है वो मेनली शामिल है, इसमें मध्य प्रदेश का एरिया शामिल नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस रूट को देख सकते हैं इधर, जैसे कि ये रूट आप देख रहे हो कि मेनली यहाँ से महाराष्ट्र से होते हुए फिर गुजरात से होते हुए राजस्थान का जो साउथ ईस्ट का जो राजस्थान का पार्ट है उस पार्ट को क्रॉस करते हुए हरियाणा, और फिर थोड़ा सा पार्ट यूपी का भी आता है, और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली तक ये कॉरिडोर वो बनाया जाएगा। तो इस कॉरिडोर की बात है, इसको लेके ये पॉइंट है। तो हमें एक दो पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान रखने, क्योंकि यूपीएससी बेसिक पूछ सकती है कि इसकी हेल्प से इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया जा रहा है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि DMIC जो प्रोजेक्ट है ये मेनली जापान की हेल्प से कम्प्लीट किया जाना है। 6 स्टेट इसमें शामिल है, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो मतलब 5 स्टेट हो गए और एक यूनियन, टोटल 6 स्टेट उसमें काउंट किया गया जापान की तरफ से, और 1483 किलोमीटर की इसकी लेंथ है जो कि कंप्लीट की जाएगी। तो यह कुछ बेसिक है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा देखो ये होगा कि जो एक तो दिल्ली से मुंबई के बीच में जो कनेक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, और इसी के साथ इस वाले एरिया में क्या कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट को भी काफी गति मिलेगी। तो उससे इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा, और इसी के साथ इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स टारगेट अचीव करने हैं, गरीबी दूर करने, तो उसके लिए काफी फंड की भी जरूरत होगी और काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो सारे टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा पूरे किए जाएंगे, और सबसे अहम बात यह आती है कि इंडिया का इससे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा। तो मतलब इंडिया को काफी बेनिफिट होने वाला है इस चीज से, और इसी के तहत इसका निर्माण है वो किया जा रहा है। तो ये थी कुछ बेसिक न्यूज जो हमने आप डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो मेरे आई है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी क्या है देखते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली यह है कि इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसको लेके कैबिनेट ने अप्रूवल है वो दे दिया है। अब कहाँ पे बनाई जा रही है यूनिवर्सिटी वो ध्यान रखना, यह यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाई जाने की प्रस्ताव है, जो कि नेशनल हाईवे 8 है, जो कि मेनली दिल्ली से
जयपुर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है उसके पास में इसे बनाया जाएगा। तो देखो हमें जिले तो याद नहीं रखने हैं कि कौन से जिले हैं, बिनोला और जो बिलासपुर जिले हैं हरियाणा के, उन जिलों के अंदर इसको यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा, मतलब वो एरिया इसमें शामिल होंगे। अब क्यों बनाई जा रही है यूनिवर्सिटी है, इसलिए बनाई जा रही है ताकि देखो जो हायर एजुकेशन है उसमें मतलब नेशनल सिक्योरिटी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भाई हमारे देश में जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है हाई लेवल पे, मतलब जो ग्रेजुएशन वगैरह के लिए अंडर ग्रेजुएशन में, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की कोई स्टडीज वगैरह के लिए प्रॉपर कोई स्कूल वगैरह ऐसा है नहीं, तो मतलब नेशनल सिक्योरिटी को फोकस किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। और उसके साथ में डिफेंस मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, मतलब मेनली हमारे देश के डिफेंस सेक्टर है उसके लिए इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ताकि डिफेंस रिलेटेड जो भी हेल्प हो, जो भी यूनिवर्सिटी स्टडीज से फायदा हो सकता है उसको पूरा किया जाए। और उसके साथ में जो डिफरेंट जो इंडिया की आर्म फोर्स है जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स है, CISF, CRPF, SSC वगैरह, इनको भी आपस में कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और इसमें एक बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इसमें काफी पार्टिसिपेट करेंगी, तो उन सबको भी फायदा होने वाला है। और मैं जो फॉरेन की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसमें हेल्प है, कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अपना करेंगी, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मिनिस्ट्री कौन सी है, वो ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री ही इसको रेगुलेट करेगी। तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे देख लें कि क्या है यूनिवर्सिटी। देखो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में अभी कि जो रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे बनाई गई थी, अभी रिसेंटली भी रेलवे यूनिवर्सिटी के बारे में भी जिक्र हुआ था, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसकी डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा के गुरुग्राम में बनाने के प्रस्ताव है, वैसे ही रेलवे यूनिवर्सिटी की भी बात थी। अब चलते हैं आगे, अगली जो एक छोटी सी न्यूज है वो है एग्रीकल्चर 2022 के बारे में। तो एग्रीकल्चर 2022 है क्या ये देखते हैं। तो मेनली एग्रीकल्चर 2022 एक कॉन्फ्रेंस है जो कि अभी रिसेंटली दिल्ली में आयोजित की गई है, तो इस पे यूपीएससी पूछ सकती है क्या। तो यह ध्यान रखना है कि मेनली गवर्नमेंट का जो भी प्रावधान था कि भाई किसानों की इनकम डबल करना है उसके तहत ही इसका निर्माण है, या तो इसके तहत इस कॉन्फ्रेंस को अभी आयोजित किया गया है। इसमें मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जो पॉलिसी है वो किसानों के हितों में बनाई जाए, इसके साथ जो हमारे इसका गवर्नेंस सिस्टम है वो सुधारा जाए, और जो किसानों के लिए MSP है वो सुनिश्चित की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है वो किसानों के लिए ही यूज करें, मतलब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को फोकस किया जाएगा ताकि किस तरीके से हमें किसानों की इनकम है वो बढ़ा सकते हैं, फिशिंग वगैरह हुआ, किसानों को इजी लोन देके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा के, तो ये सारे पॉइंट्स को फोकस किया जाएगा। बट यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जो एक्चुअली न्यूज में मतलब इसमें आर्टिकल में तो नहीं थी, बट वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो एग्रीकल्चर 2022 मतलब किसानों की इनकम डबल करने के लिए जो गवर्नमेंट प्रावधान लेके आई थी इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम है अशोक दलवाई कमेटी। तो यह हमें ध्यान रखना है कि अशोक दलवाई कमेटी की 7 पॉइंट स्ट्रेटजी की रिकमेंडेशन आई थी, उन्हीं के तहत गवर्नमेंट ने जो किसानों की इनकम डबल करने का प्रावधान है वो किया था, तो यह कमेटी यूपीएससी पूछ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप ये बताइए कि काकोड़कर कमेटी किस लिए आई थी, काकोड़कर कमेटी रेलवे के लिए आई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। खैर चलिए आप आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो मैं लिया आई है अस्मिता योजना के बारे में। तो अस्मिता योजना है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम है वो चलाई गई है। इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि जो फीमेल्स या जो मतलब फीमेल है उनको एक्चुअली सस्ती रेट में जो सेनेटरी नेपकिन से पैड है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। किसकी हेल्प से, यह प्रोवाइड कराए जाएंगे स्वयं हेल्प ग्रुप की, मतलब स्वयं सहायता समूह है उनकी सहायता से जो गर्ल्स हैं उनको सस्ती रेट में पैड है नेपकिन टिश्यू वो प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट का स्टार्टअप वो किया गया है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि है गवर्नमेंट स्टार्ट करिए वो करिए 8 मार्च से, तो अभी केवल गवर्नमेंट ने कही है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके बारे में घोषणा वो की है, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है उसी के उपलक्ष्य में से एक तरह से लॉन्च है इस स्कीम को वो किया जाएगा। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि अस्मिता योजना के बारे में कि रिसेंटली किस स्टेट, तो ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सस्ते नेपकिन प्रोवाइड करने के लिए वुमेन के लिए, ताकि उनका हाइजेनिक उनको एनवायरमेंट है वो मिल सके और उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी डिजीज वगैरह ना हो, तो उन सबको फोकस करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप है वो उठाया गया है। अब चलते हैं हम खैर आगे, अगली जो न्यूज है वो मेनली आई है लार्जेस्ट ऑयल स्पिल के बारे में। तो देखते हैं क्या न्यूज है। न्यूज एक्चुअली है कि ईरान का एक टैंकर था वो ईस्ट चाइना सी के अंदर तेल लेके जा रहा था, तो वहां पे डूब गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया और डूब गया, तो उसके वजह से हुआ है कि उसमें जो ऑयल था वो स्प्लिट हो गया, तो उसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। बट इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, देखो जब भी मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है आपको, तो पेट्रोलियम जो होता है क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, तो क्रूड ऑयल से जब भी हम गैस वगैरह कुछ और चीज प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोल वगैरह, तो उसके दौरान जब नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है तो उसके दौरान एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेट फॉर्म होता है, जो कि काफी जहर मतलब तेल ही होता है एक तरीके से, जो कि काफी जहरीला होता है, मतलब काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, जहर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक्चुअली इसका होता है कि इसकी डेंसिटी है ना वो बहुत, मतलब जितनी पानी की डेंसिटी होती है उसके अप्रोक्सीमेट इसकी डेंसिटी होती है, तो ये पानी में घुल भी जाता है और पानी के ऊपर भी रहता है, दोनों सिचुएशन से रहती है, तो उस कंडीशन में नुकसान ही होता है कि इसको इजीली आइडेंटिफाई वो नहीं कर सका,
देखो जब क्रूड ऑयल तो जब स्प्लिट होता है ना, जैसे कि ये पानी है इस पे क्रूड ऑयल स्प्लिट होगा तो वो तो क्या काले काले धब्बों में दिख जाता है, तो आराम से उसको आइडेंटिफाई करके उसको हटाया जा सकता है। बट ये जो कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो ऑयल स्प्लिट हुआ है ना, इसको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है क्योंकि इसका कलर भी इतना ज्यादा चेंज नहीं है, तो इससे पता लगाना बहुत दिक्कत हो रही है और यह जहरीला बहुत ज्यादा होता है, तो जो मेरीन रिसोर्सेज है उनको काफी दिक्कत आने वाली है और काफी ज्यादा जो समुद्री जीव है उनकी जाने जाएंगे। तो उसको लेके न्यूज थी, तो इसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ईस्ट साइना सी के बारे में, तो वह में दानक ने इसे मेनली इनविजिबल ऑयल स्पिल के नाम से भी जाना गया। तो ये भी यूपीएससी पूछ सकते हैं, खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि इनविजिबल ऑयल स्पिल अभी रिसेंटली कहा, तो ध्यान रखना है हमें कि भाई देखो एक हमारा मेन मोटो यही है कि हमें सारी न्यूज है वो डिस्कस करनी है, कई बार एक दो छोटी मोटी न्यूज भी ना रह जाए, क्योंकि जब हम सारी न्यूज कर ही रहे हैं तो अगर हमें वहां पे तो एग्जाम में तो केवल ऑप्शन देके टिक मार्क करना है, तो जैसे एक बार हमारा गलती से भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो वहां पे हमें काल की हेल्प है वो हो सकती है, तो इसीलिए हम सारी न्यूज है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लोकेशन है वो मेनली, एक बार मैं मैप डालना तो भूल गया था, खैर कोई नहीं, यह है यहाँ पे ईस्ट चाइना सी की लोकेशन, आप देख सकते हो जहाँ पे फिलीपींस वगैरह काफी यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है इस वाले एरिया में, तो यह ईस्ट चाइना सी वाला एरिया, यह साउथ चाइना सी यहाँ पे और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी वाला, तो इस वाले एरिया की मेनली पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम खैर आगे, अगली जो न्यूज है वो मेनली हमने दिल्ली इन मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था वो डिस्कस कर ही लिया है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली जो न्यूज आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में, तो वेंचर फंड होता क्या है पहले तो वो देखते हैं, इसके साथ वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर डोनेटर को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो है सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड है क्या। देखो नॉर्थ ईस्ट जो वेंचर फंड है ये मेनली नॉर्थ ईस्ट में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टार्ट लाया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा वो ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है अलग से, उस मिनिस्ट्री के द्वारा इस फंड को मतलब इस फंड को बनाया गया है। इसका इसको रेगुलेट कौन करेगा, इस फंड को रेगुलेट क्या करेगा, वो करेगा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यह ध्यान रखना है कि इस फंड को सेटअप और इस फंड को रेगुलेट करने का काम है वो इसके द्वारा किया जाएगा, और मेनली है क्या वो हमने देख लिया। अब इसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो स्टार्टअप्स है ना उनकी संख्या बढ़ाई जाए। अब देखो जो फर्स्ट जनरेशन के जो स्टार्टर या फर्स्ट जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब जो नए नए यूथ हैं जो कि नया रोजगार या नए अपने बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कि कोई बंदा जिसको स्टार्टिंग में कुछ नॉलेज नहीं है, अगर वो स्टार्टिंग में अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टेबल करना चाहता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है ना ही उसके पास स्किल होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बैंक वगैरह है वो भी उसे लोन नहीं देते क्योंकि उन्हें खतरा रहता है कि भाई इसके पास इतना स्किल भी नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो हम इसको पैसा देंगे वो पैसा डूब सकता है। तो इसलिए जो स्टार्टअप होते हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो स्टार्टअप होते हैं उनको पैसा वगैरह मिलने में काफी दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट ने फंड बनाया ताकि इस फंड के तहत उनको पैसा वो दिया जाएगा। देखो वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं, मेनली एक तरह आपको बता दूं ये इकोनॉमी में टर्म्स आता भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं देखो कि जिनके पास क्या पैसा खूब सा होता है बट उनके पास टाइम नहीं होता है ना ही उनके पास इतने आइडियाज होते हैं, मतलब इन्वेस्टर वो उनके पास पैसा खूब होता है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बट उनके पास इतने आइडियाज नहीं होते हैं, और एक दूसरा इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास आइडिया होता है बट उनके पास पैसे नहीं है, तो होता है कि दोनों आपस में जैसे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये कह देता है दूसरा इंसान है, जैसे कि ये कोई भी एक दूसरा एक बंदा कहता है कि हाँ भाई मेरे को पैसे चाहिए मेरे आइडिया है, तो ये अपना आइडिया बताता है जिसके पास पैसे खूब उसको, तो वो जो वेंचर कैपिटल वाला जो भी बंदा होता है वो बताता है कि हाँ भाई आपका आइडिया अच्छा है तो कोई बात नहीं है मैं आपकी यहाँ भी इस आइडिया पे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, बट मेरी जो भी आप कंपनी वगैरह खोल रहे हो उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा है वो रहेगा, तो ऐसे तरीके से होता है, मतलब वेंचर कैपिटल मेनली वो लोग होते हैं जिनके पास फंड होता है बट आइडिया नहीं, वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं एक तरीके के, तो हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक्चुअली फंड देने के लिए स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा फंड है वो बनाया गया है, रेगुलेट कौन करेगा वो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो इसको रेगुलेट करेगी। तो ये थी कुछ बेसिक न्यूज, आगे हम देख लेते हैं एक बार आज के जो क्वेश्चन है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 363 के बारे में, कि आर्टिकल 363 आज के न्यूज में था तो क्यों है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्विफ्ट के बारे में, कि स्विफ्ट के बारे में स्विफ्ट है क्या, हुआ है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो ये है देखो आपको बता दूं है क्या स्विफ्ट, अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि स्विफ्ट पे अटैक होने की बात थी यूनियन बैंक के द्वारा, और अभी पीएनबी के मामले में भी स्विफ्ट है वो न्यूज में था। तो यह मेनली एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके तहत ये होता है कि भाई एक बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कनेक्शन है, एक तरीके से आपस में बातचीत वो कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो बैंकों की आपस में बातचीत मैसेजिंग होती है वो काफी एक्चुअली सीक्रेट होती है क्योंकि उसमें काफी कुछ बात इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, डाटाज होता है, तो इधर उधर शेयर नहीं कर सकती दूसरे के साथ, तो इसलिए उनका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसमें होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लोकल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे, तो यह चीज जानेंगे कि है स्विफ्ट है क्या। अगला क्वेश्चन हुआ है संबंध इनिशिएटिव के बारे में, तो संबंध इनिशिएटिव है क्या,
तो ये आपको बताता हूँ कि संबंध इनिशिएटिव है वो मेनली इंडियन जो ओशियन की जो कंट्रीज हैं, 10 मेनली कंट्रीज हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, मलेसिया हुआ, यूएई वगैरह हुई, ये सिटीज हैं, ये कंट्रीज हैं सॉरी, इन कंट्रीज के द्वारा ही एक्चुअली शामिल करके इसे संबंध इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई इंडियन ओशन की जो कंट्रीज है ना 10 कंट्रीज, इनके जो भी सिक्योरिटी हेड है वो आपस में मिलके और जो सिक्योरिटी के मामले में है फोकस करेंगे। इसी के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था इंडिया के जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसके द्वारा। तो उसमें मेन फोकस किया गया था कि इंडिया के जो भी बड़े शिप्स वगैरह हैं उनके तहत नेवी का अपना प्रदर्शन वगैरह वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि संबंध इनिशिएटिव किस रिलेटेड है, तो एक तो मैंने ध्यान रखना है कि इंडियन ओशन की कंट्रीज है, दूसरा है वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा इसे आयोजित किया गया, तो कुछ बेसिक न्यूज थी। अगला यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 363। आर्टिकल 363 है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी हमारे देश में मतलब संविधान बना था, हमारे देश आजाद हुआ था, संविधान बनने आजाद हुआ उसका संविधान बना, तो उसमें यह प्रावधान था कि पहले जो भी जैसे अंग्रेजों के टाइम के जो भी रूल रेगुलेशन कुछ एक्ट बने हुए थे, कुछ ट्रीटी वगैरह हुई थी दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उन ट्रीटीज में इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह न्यायपालिका वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो उसके तहत ये बनाएगा। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज में था, मतलब इस मामले के लिए आर्टिकल 360 थी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार आप इसको देख लेना। खैर आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।